सब्सक्राइब कीजिए न्यूज ट्रेंड 24 चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए। ऐसी ही दिन भर की खबरें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में पुलिस के सर्च ऑपरेशन से पहले ही नर कंकाल का जिन्न बाहर निकल आया है। डेरे में ऑपरेशन की शुरुआत शुक्रवार से होनी है। डेरे की ओर से कहा गया कि खुदाई में कुछ हड्डियां और कंकाल निकल सकते हैं, जिन्हें पर्यावरण के लिहाज से जमीन में दबाया गया था। डेरे के मुखपत्र के जरिए यह दलील दी गई है कि डेरा प्रेमी अपने परिजनों के शव और हड्डियां डेरे को सौंप देते थे। डेरे की ओर से यह कहा गया कि यदि इन हड्डियों को नहर में बहाया जाता तो पर्यावरण को भारी खतरा हो सकता था, लिहाजा इन हड्डियों को डेरे में दबाकर उन पर पेड़ लगाए गए। डेरे के पूर्व साधुओं की ओर से कई दिनों से नर कंकाल होने की बातें कही जा रही हैं। इन्हीं बिंदुओं पर काम करने के लिए ही हाई कोर्ट के आदेशों पर सर्च अभियान की कवायद शुरू की गई। इन सबके बीच डेरे के मुखपत्र में छपे एक आलेख ने नर कंकाल होने के मामले को पुख्ता कर दिया। डेरे के मुखपत्र में यह खबर सर्च अभियान से ठीक पहले प्रकाशित की गई, जिससे कि सर्च के दौरान कंकाल मिलने पर कोई आश्चर्यचकित न हो। हालांकि हाई कोर्ट से डेरे की खुदाई की कोई अनुमति नहीं ली गई है, लेकिन कोर्ट कमिश्नर से कहा गया है कि यदि वे उचित समझें तो डेरे की खुदाई भी करवा सकते हैं। डेरा प्रबंधकों को आभास हो गया कि देर सवेर यदि सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ नहीं मिला तो कोर्ट कमिश्नर खुदाई के आदेश दे सकते हैं।